अरे दोस्तों, आईकू ने और एक फोन लॉन्च कर दिया है, आईकू Z9। जी हाँ, आईकू की जो लीगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड करता है। ये मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में, मुझे लगता नहीं है, है इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा। इसकी जो प्राइस है बेसिकली 8128 जो वेरिएंट है दैट इज विथ ऑफर 17999 है, 8128 एंड 8256 जो है शायद मेरे हिसाब से 19 18999 वगैरह होगा। ये मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें जो सीरियसली अच्छी है, स्पेशली परफॉर्मेंस एंड वैल्यू फॉर मनी क्वोशेंट इस फोन का बहुत ही ऊपर है, जैसे हमेशा हर एक आईकू फोन का होता है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं। आईकू Z लिखा हुआ है, 9 नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक बॉक्स है, सिल्वर लेटरिंग है। वैसे दोस्तों सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, बहुत सारे जबरदस्त फोन आ रहे हैं, उनके अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, रिव्यू सब कुछ करने वाले, सो डू दैट। लेट्स ओपन, ओपन तो कर दिया है वो। ओके, केस आती है, नाइस, डिसेंट क्वालिटी केस है। डॉक्यूमेंटेशन, 44 वॉट फास्ट फ्लैश चार्जर इधर दिख रहा है। जी हाँ, वीवो का ही सब ब्रांड है, तो वीवो फ्लैश चार्ज है 44 वॉट का। एंड देन यू हैव यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड यू ऑल्सो हैव ये हम्बल सिम कार्ड टूल जो हमें लगने वाला है, इसीलिए हम इसे निकाल के हमारे साथ रखते हैं। एंड लेट्स कीप एवरीथिंग एल्स असाइड, हाथ में लेते ही मुझे वाव क्यों लगा, हल्का लग रहा है। 5000 mAh की बैटरी है, बट यू नो इट्स लाइट वेट। हो, ये वेवी डिजाइन देखिए, लुक एट दिस डिजाइन, लुक्स वेरी डिफरेंट एंड लाइट ग्रीन कलर है, लाइट गिरने के बाद शाइनी शिमरी दिखता है। और कैमरा मॉड्यूल स्क्वायरिश है, दो राउंड सर्कुलर कैमरा के मॉड्यूल्स है, सो दैट्स इट। एंड इन हैंड फील जबरदस्त है, ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन आता है, ग्रीन गार्ड है, लेट्स डू दिस, आवाज आना चाहिए। यस, ओ नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन, लेट्स टेस्ट, 1 2 एंड। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट कुछ नहीं, 1 2 एंड। पीछे की बैक है, प्लास्टिक है, बट यू नो फील्स नाइस, फील्स रियली नाइस, फ्लैट साइड्स वगैरह। अगर वेट के बारे में बात करूँ, 189 grams, 187.7 या 188 बोल रहा था मैं, 189, सो आई एम वेरी नियर। ये कितने बार होता है, अभी फिर से किया मैंने दोस्तों, गलती से माइक्रोफोन के स्लॉट में मैंने डाल दिया। This is a thing, you know. Oh, hybrid SIM card slot है, मतलब आप expand भी कर पाओगे, या तो एक SIM card SD card या दो SIM cards आप इस्तेमाल कर पाओगे। Ports and buttons के बारे में बात करूँ दोस्तों, नीचे की तरफ speaker grill, USB Type C, microphone, SIM card tray, left hand side में कुछ नहीं है, noise cancelling microphone ऊपर की तरफ आता है, and then you have right hand side पे volume rocker and power on off button है, 3.5mm jack is not there। चालू करते हैं फोन। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ दोस्तों, 6.67 inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले आता है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 8-bit डिस्प्ले है, 1800 nits पीक ब्राइटनेस है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं तो साइड के बेजल्स और ऊपर के बेजल जो हैं पतले हैं, चिन में कहूंगा एवरेज, स्लाइटली बिगर कहूंगा, फिर भी 91% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, सो मॉडर्न डिस्प्ले डेफिनेटली कहूंगा। वैसे एक बात अच्छी है, पंच होल आ गया है, पहले वाटर ड्रॉप नॉच थी Z6 में, नाउ दे हैव रिमूव्ड दैट, सो दैट इज गुड। वैसे क्विकली आगे बढ़ने से पहले कलर्स दिखा दूं दोस्तों, ये जो है ये ग्रीन है और ये थोड़ा ब्लैक दिखता है, बट दिस इज ब्लू। आप कौन सा प्रीफर करते हो, यू आर टूवर्ड्स मोर सटल या फिर ज्यादा फ्लैशी काइंड, कौन सा अच्छा लगता है नीचे कमेंट्स में अभी बताइएगा दोस्तों, प्लीज डू दैट। स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि ये जो फोन है दोस्तों इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन, क्यों, क्योंकि इसमें डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर आता है जिसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के ऊपर है। जनरली मोस्ट पावरफुल फोन अगेन 18-19-20 हजार इस प्राइस रेंज में देखोगे तो 6 लाख 6.5 लाख इतना अंतुतु स्कोर आता है, इसका जो है दोस्तों 7.5 से 7.5 लाख के बीच में आता है। गेमिंग के बारे में भी 60 FPS गेमिंग कर पाओगे, आई एम सरप्राइज 90 नहीं है, बट 60 FPS आप गेमिंग कर पाओगे। इवन जेंशिंग इंपैक्ट हमने खेला दोस्तों, 35-38 FPS वगैरह गेम प्ले मिलता है, एंड इट इज क्वाइट प्लेएबल, अच्छा लगा मुझे, सो या गेमिंग के मामले में भी अच्छा है। और गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, 4D वाइब्रेशन है, मतलब जो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है सही में अच्छा है, तो गेमिंग के समय जो फील आता है दैट इज क्वाइट गुड। इसमें हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी रन किया दोस्तों, एंड बिल्कुल थ्रॉटल नहीं होता है, मतलब 30 मिनट तक हमने टेस्ट किया एंड इट डिड नॉट थ्रॉटल एट ऑल, विच इज एक्सेलेंट, मतलब कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस इसका मिलता है। और 1200Hz इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, ये गेमिंग के समय आपको उसका फायदा होता है, जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो इंस्टेंट रिस्पांस वगैरह जो फीडबैक मिलता है, या फिर आप जब गन प्रेस करते हो तो गोली इमीडिएटली जाती है, यू नो इट जस्ट हेल्प्स देयर। एंड मोशन कंट्रोल भी है खेलते समय, सो
that is also there. So overall gaming and performance ke liye this is a good phone. Halanki LPDDR4X RAM type hai, UFS 2.2 storage type hai aur jaise maine kaha do alag alag variants aate hain 8128 and upar wala variant jo hai 8256 hai. 5000 mAh ki battery and 44 watt charging aati hai. Ek cheez achhi hai, multimedia ke liye phone bahut acha ho gaya. Pehle wo auto drop notch tha, uski wajah se thoda itna immersive display nahi lagta tha. Ab punch hole center punch hole aa gaya to jab aap dekhte ho you know it feels good and stereo speakers bhi hain. So multimedia experience आपका अच्छा है. सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेल. कनेक्टिविटी 5G फोन है, 8 बैंड से जो भी इंडिया में बैंड है सब सपोर्टेड है, नो प्रॉब्लम्स देयर. वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC आयर ब्लास्टर नहीं. ऑलराइट, ओएस के बारे में बात करते हैं. इधर ये देखिए फन टच ओएस 14 आता है व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, दैट इज गुड. दो साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए, सो दैट इज गुड. आपको 15 और 16 मिलने वाला है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी हैं. एक चीज है दोस्तों जो हमने नोटिस की और जो हमने बात भी की आईक्यू के लोगों के साथ कि भाई ये हॉट गेम्स हॉट एप्स थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमें एग्रेसिवली प्राइस करना था इसे, उसकी वजह से हमें ये डालना पड़ता है. हाँ, थर्ड पार्टी एप्स आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आई एम टेकिंग देयर साइड, बट व्हाई दे आर पुटिंग इट, क्योंकि प्राइस जो है वो एग्रेसिव करनी है इसलिए. बट हाँ, हॉट गेम्स हॉट एप्स हैं इसके अंदर. वैसे मुझे ये सवाल आपसे पूछना है, क्या 500,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे टू रिमूव दोज थर्ड पार्टी एप्स हॉट गेम्स वगैरह, अगर नहीं चाहिए क्लीन यूआई एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर 1,000 रुपए से ज्यादा होगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बेटर, टेल मी कमेंट्स में. आई रियली वॉन्ट टू नो दैट फीडबैक. उस हिसाब से जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे हम, आपको क्या लगता है. और ओएस के फीचर्स के बारे में बात करूं तो डायलर उनका आता है जहां पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर पाओगे. देन स्मार्ट साइड बार वगैरह आता है जहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एप्स वगैरह आपको डालने हैं या फिर कोई ऐप जो कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करते हो उधर पिन करना है, वो सब चीजें आप कर पाओगे. सो दैट इज देयर. ऐप रिटेनर फीचर आता है जहां पे बैकग्राउंड में अगर आपको कोई स्पेसिफिक एप्स रखने हैं वो आप कर पाओगे. चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं. यू नो मिक्स फीलिंग्स, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि प्राइमरी सेंसर जो है सोनी का IMX882 सेंसर दिया हुआ है 50 MP का, सो दैट इज गुड. और OIS को भी सपोर्ट करता है लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है, अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था. ये दूसरा जो है वो 2 MP का बोके. प्राइमरी सेंसर के फोटोज अच्छे हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे निकाले हुए हैं. गो चेक इट आउट, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों जो भी फोटोज हमने निकाले हुए हैं वो जी ड्राइव पे हम सेव करते हैं आपके लिए, अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा. आगे 16 MP के सेल्फी के बारे में बात करूं तो डिसेंट जो स्किन टोन्स वगैरह हैं अच्छे आते हैं. रेयर से भी नॉर्मल कंडीशन में जब आप शूट करते हो यू आर गोइंग टू लाइक द फोटोज. वीडियोग्राफी में भी 4K आप शूट कर पाओगे. अगेन 18-19 हज़ार प्राइस रेंज का फोन है एंड 4K दे रहा है, आई थिंक विच इज गुड विथ OIS, सो नॉट बैड एट ऑल. और अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो 2x पोर्ट्रेट आप निकाल पाओगे. इट इज ऑलवेज बेटर 1x से ज्यादा 2x या 3x पोर्ट्रेट जब आप निकालोगे तो वार्प नहीं होता है चेहरा वगैरह, कभी कभी ऐसे ज्यादा बराबर प्रोपोर्शंस नहीं दिखते हैं, तो उसका फायदा होता है. देन 50 MP का नेटिव जो मोड होता है कि 50 MP में मुझे पूरा बड़ा फोटो चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप निकाल पाओगे. नाइट मोड है, स्लो मोशन, स्नैपशॉट, ड्यूअल व्यू, मतलब दोनों भी कैमरास वगैरह आपको इस्तेमाल करने हैं, वो है. प्रो मोड है, वो सब चीज़ें. ऑलराइट, बाकी के चीजों के बारे में बात करते हैं. वाइड वाइड L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पे HDR वगैरह देख पाओगे, सो यू विल गेट दैट फील. नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, NFC नहीं है, IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, तो ये सब चीजें हैं. वैसे और एक चीज बता दूं, आईक्यू नया ब्रांड है तो वीवो का ही सब ब्रांड है, इसलिए वीवो के जो सर्विस सेंटर है कुछ 670 सर्विस सेंटर से अलग अलग सिटीज इंडिया में, यू कैन गेट इट सर्विस देयर, सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे एक हिंट दूं दोस्तों, अमेजोन पे अगर आईक्यू Z9 आप सर्च करोगे तो शायद 50,000 तक आप बचा पाओगे. I think there's a contest going on. जरूर देखिएगा. तो IQOO Z9 के बारे में क्या लगता है? सिंपल चीज है दोस्तों. This is the best performing. मतलब performance specifically मैं बात करूं, this is the best performing in its price range for sure. कैमरा भी ये अल्ट्रा वाइड नहीं दिया हुआ है जो उन्होंने देना चाहिए था, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है. 4K वीडियोग्राफी है, दिखने को भी मैं कहूंगा इट इज अ प्रीटी गुड लुकिंग डिवाइस. वो जो निकाल दिया ना ड्रॉप नॉच और अब सेंटर पंच होल आ गया, दैट इज ऑल्सो गुड. डिस्प्ले भी अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छा है. तो ओवरऑल जो मेन चीजें हैं दोस्तों कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो डिस्प्ले है, ओएस के भी 2 साल के अपडेट्स दिए हुए हैं, हाँ थर्ड पार्टी एप्स हैं, तो एक दो छोटी चीजें छोड़ी तो मैं कहूंगा फॉर द प्राइस यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फोन IQOO Z9. या इस फोन के बारे में कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और कुछ भी होगा डू लेट मी नो. ये वीडियो अच्छा लगा ना, कुछ फायदा हुआ ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.